अलैकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और खैर वाफियत से रखे। तो आज का जो ब्लॉग है वो है कपड़ों पे, अभी कपड़े सिलाई के आए थे। गर्मी के कपड़े ईद के तो अभी के रहते हैं, चले मैंने तो आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ कि कपड़े किस तरह के सिल के हैं मेरे और मेरी बेटी के। ठीक है, ये बेटी की शर्ट है, ये मैंने ना नेट से निकाला था डिज़ाइन, ये इसके बावजूद बहुत प्यारे हैं। और ये लेसिस भी मुझे ना बड़ी अच्छी और सस्ती मिल गई ना लेसिस, जिस तरह की मैं चाहती थी। और ये और घेरे पे ये है इसका प्लेटेड अलमारी में मैंने लेसिस लगाई है, शॉर्ट शर्ट है और ये है कैपरी के साथ, कैपरी के साथ है और दुपट्टा इसी कलर में, सेम कलर में है। तो दुपट्टे भी कुछ नहीं थी। बेटी की ये शर्ट है, ये भी मैंने नेट से निकाला था डिज़ाइन, बाजू के ऊपर थी ऐसे बेल लगी हुई, ठीक है, और एक इधर घेरे पे। इसको आप बहुत आराम से पेंट के साथ या कैपरी के साथ या आप टाइट के साथ या ब्लू टाइट के साथ आराम से कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी है, बैक सिंपल है, बस फ्रंट पे डिज़ाइन, बस एक कॉर्नर जो है ना वो इस एक साइड का लंबा है। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, खुली है और अच्छी लगेंगी पहनी बच्चे। और ये मेरा सूट है, ये मैंने लिया था खादी से, इस्लामाबाद गई थी रमज़ान में, तब मैंने ये खादी से लिया था। कलर बहुत अच्छा लगा था, हेयर तो बिल्कुल सिंपल ना, ये देखिए बस नीचे मैंने ये वाली इसके ये पिंक कलर की ये लेस लगाई है, शटल लेस, और इसके साथ लॉन्ग शर्ट है, ये लॉन्ग शर्ट है और इसी कलर की सेम कलर की कैपरी के साथ, और ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा प्रिंट था। मेरा सूट देख के मेरी बहनों ने भी खरीदे थे मेरी कपड़े से। ये शर्ट भी मेरी है और ये है बिस्टरी की ना, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं करवाया, बस इस क्योंकि इसका प्रिंट ही ऐसा था फ्रंट। ये भी लॉन्ग शर्ट है मेरी, फ्रंट पे भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है और बैक पे भी, तो मुझे नहीं लगा कि इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि इतना कुछ है शर्ट के ऊपर, क्योंकि इतना खास प्रॉब्लम नहीं होता। बाजू ही होंगे, बाजू के साथ ही उन्होंने ये पट्टी एक्स्ट्रा दी हुई थी जो कि मैंने गले पर लगवा दी है। और इसके साथ मैंने ये लॉन्ग शर्ट है, इसके साथ मेरे पास ब्लैक कैपरी भी है, लेकिन मैंने ये एक बेल बॉटम सिलाई करवाया था तो ये धब्बे भी साथ ही लगे हुए हैं, बेल बॉटम है, प्लेटेड अलमारी पे, तो मैंने ये लेस लगवा दी है। और इसका दुपट्टा जो है वो अभी मैंने दिया हुआ है, उसके वाइट दुपट्टे इसके साथ और उसके ऊपर ब्लैक लेसिस और फूल लगे हुए हैं, और दुपट्टा भी आया नहीं है। और ये भी शर्ट इसके गले के पे एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, मैं मुझे ज़्यादा लेसिस वगैरह अच्छी नहीं लगती और मैंने सिर्फ ये वाली एक लेस ली है जो कि जिन कलर में है। तो ये छोटी छोटी मैंने बाजुओं पे और घेरे पे आदि लगवा दी, क्योंकि गला जो है वो तो एम्ब्रॉयडरी वाला है, ये गला है, ये शॉर्ट शर्ट है और इसको मैंने शलवार के साथ तैयार कर लिया, ये शलवार के साथ। और ये ग्रिप में इसका दुपट्टा है, फोन का ना ग्रिप का इसका दुपट्टा है, दुपट्टा बहुत प्यारा है, प्रिंटेड है, इसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ लगाएंगे भी तो वो इतना परमानेंट नहीं होगा ना, तो मेरा तो ख्याल है कि ऐसे ही अच्छा है। दादे अभी भी लगेंगे क्योंकि अभी सिल के आया है ना, तो अभी भी दादे लगे हुए हैं, तो इसमें से अगर कोई भी मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं इस पर भी पहन सकती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा हैवी कपड़े जो हैं एम्ब्रॉयडरी वाले तो पहने नहीं जाते हैं ना, तो कोई भी जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं पहन लूँगी। तो जनाब ठीक है, अभी मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे कपड़े पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, मेरी तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद।